हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और आप उसमें से कोई एक पेज कट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पीडीएफ फाइल में 10 पेजेस हैं और आप पेज नंबर 4 कट करना चाहते हैं, ठीक है, अलग से सेव करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो हम कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपल अपने घर बैठे क्रोम पर ही कर सकते हैं, ठीक है। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूँ कि क्रोम एक पीडीएफ रीडर भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए कि देखिए सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, और आपके मोबाइल पर भी जो सब्सक्राइब बटन बन के आ रहा है उसको भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना दूसरा क्रोम का ब्राउज़र खोलते हैं। तो ये देखिए क्रोम का ब्राउज़र खुला हुआ है यहाँ पर, और सिंपल मुझे ये फाइल उठा करके यहाँ पर एड्रेस बार में ड्रैग करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम है, चलिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये देखिए मैंने एक पीडीएफ फाइल, पर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए मैंने एक पीडीएफ फाइल सेव कर रखी, ये ब्लैंक फाइल है, सिर्फ इसमें मैंने नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए पेज नंबर 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, और उसके बाद 4 हो गया। 4 पेजेस की ये फाइल है, इसमें से कोई भी एक पेज हम अलग से सेव करके देखेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो इसको सिंपली आपको ड्रैग करना है क्रोम पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, और ये फाइल यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पर सेव है, तो इसको सिंपल आप यहाँ से उठाइए और एड्रेस बार में ले जा करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही इंटर मारेंगे ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये ओपन हो गया, मैं फिर दिखाती हूँ, ये वही फाइल है, पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, और फिर ये चौथा पेज, ठीक है। अब सिंपल अब वो करना क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्रिंटर ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको मान लीजिए पेज नंबर 2 सेव करना है अलग से, ठीक है। तो सिंपल से आप यहाँ जाइए, प्रिंटर पर क्लिक करिए, ठीक है। जब आप प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कई सारे ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। ये देखिए सेव एज पीडीएफ पे ही रहने दीजिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सेव पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेव करना है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, पेजेस में ऑल दिया हुआ है, और यहाँ पर इसके नीचे एक दिया हुआ है सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पेज नंबर 2 सेव करना है, तो पेज नंबर 2 मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, ठीक है। और देखिए जैसे ही आपने पेज नंबर 2 लिखा ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो जब आप सेव पे क्लिक करेंगे आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, अब आप इसको कोई भी डेस्टिनेशन दे सकते हैं, तो हम डेस्कटॉप ही दे देते हैं क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे पहले वाली फाइल भी सेव करी है, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे जब हमने इसको नाम दिया 2 और उसको यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ सेव हुई है, ये देखिए ये फाइल हमारी सेव हो गई। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ पेज 2 ही दिखाएगा, ठीक है। उन 4 पेजेस में से सिर्फ पेज 2 सेव हो गया, ठीक है।